हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सर फिलिप सिडनी एज ए लिटरेरी क्रिटिक देखने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग सर फिलिप सिडनी के एक छोटे से बायोग्राफी को देखेंगे एंड साथ ही साथ इनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि लिटरेरी क्रिटिक होते हुए इन्होंने कैसा अपना कंट्रीब्यूट दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो सर फिलिप सिडनी का जो जन्म था वो 1554 में हुआ था एंड इनका डेथ 1586 में हुआ था। तो सर फिलिप सिडनी जो थे वो इंग्लिश पोएट थे, कर्टियर थे, स्कॉलर थे एंड सोल्जर भी थे एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश सोनेटियर इन एलिजाबेथन एरा आफ्टर शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के बाद अगर सबसे बड़े सोनेटियर का नाम आता है तो सर फिलिप सिडनी का है। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोएट हु वॉज ऑल्सो स्कॉलर, राइटर एंड ए जेंटलमैन, यानी कि ये पहले ऐसे क्रिटिक और पोएट थे जो कि स्कॉलर भी थे, राइटर भी थे एंड साथ ही साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे। इनकी जो किताब थी एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ओरिजिनली डिफेंस ऑफ पोएसी, इसी का ओरिजिनल नाम ये है, इज़ द फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल बुक इन क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो इनकी ये जो किताब थी एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ये इनकी पहली प्रभावशाली किताब थी इन क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश हिस्ट्री। अब इन हिज क्रिटिकल थ्योरी सिडनी बोरोज फ्रॉम अदर थ्योरीज ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड होरेक। अब क्या है कि ये जो अपना थ्योरी देते हैं ये बोरो करते हैं अदर जो भी पोएट्स हैं या फिर क्रिटिक्स हैं। नेक्स्ट, सिडनी वैल्यूज पोइट्री ओवर हिस्ट्री, लॉ एंड फिलोसफी। तो सिडनी जो है इन सबसे ऊपर पोइट्री को वैल्यू देते हैं, हिस्ट्री और लॉ फिलोसफी इन सबसे ऊपर मानते हैं पोइट्री को। बट ही टेक्स एरिस्टोटल्स आइडिया वन स्टेप फर्दर, डिक्लेयरिंग दैट पोइट्री अबव ऑल अदर आर्ट्स एंड साइंसेस एम्बॉडीज ट्रुथ। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि एरिस्टोटल का जो आइडिया था कि पोइट्री जो है वो सबसे ऊपर है, इसी को कहीं ना कहीं आगे ले जाते हैं एंड कहते हैं कि पोइट्री में सबसे ज़्यादा सच्चाई होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक लाइन है, दाई नेसेसिटी इज येट ग्रेटर देन माइन। अब ये जो लाइन है ये एक स्टोरी से ली गई है जो कि पॉसिबली बिकेम द मोस्ट फेमस स्टोरी अबाउट सर फिलिप, यानी कि सर फिलिप के बारे में अगर कोई कहानी है तो सबसे फेमस जो कहानी है उसमें से ये लाइन ली गई है, दाई नेसेसिटी इज येट ग्रेटर देन माइन, यानी कि आपकी जो ज़रूरत है वो मेरे से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है, किस स्टोरी के रिलेवेंस में लिखा गया है, तो वो स्टोरी है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी वाइल लाइंग वुंडेड। तो मैंने आपको बताया कि सर फिलिप सिडनी जो थे वो एक सोल्जर भी थे, यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्कॉलर एंड सोल्जर। तो वो सोल्जर थे, तो वाइल लाइंग वुंडेड, तो जब वो जख्मी पड़े हुए थे, ही गेव हिज वाटर टू अनदर वुंडेड सोल्जर, तो जो पास में एक और जख्मी जवान था उसे वो अपना पानी देते हैं और बोलते हैं कि इस पानी की ज़रूरत तुम्हें मुझसे ज़्यादा है। तो दिस इलस्ट्रेट्स हिज नॉबल एंड गैलेंट कैरेक्टर, तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि उनका जो कैरेक्टर था वो कितना महान कैरेक्टर था। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इफ़ शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट नेम और फिगर ऑफ हिज एरा, हम लोग को पता है कि शेक्सपियर कितने महान थे, तो अगर शेक्सपियर अपने एरा में अपने टाइम के सबसे महान पोएट या फिर सोनेटियर थे तो सर फिलिप सिडनी वॉज नो लेस देन हिम। तो सर फिलिप सिडनी भी कुछ कम नहीं थे, ही इज़ नोन एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिटिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत ही प्रभावशाली एंड बेहतरीन क्रिटिक्स के रूप में जाना जाता है इन्हें। सिडनीज कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिसिज्म इज़ ऑफ कंसिडरेबल मेरिट बट इन सम एरियाज़, यानी कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में क्रिटिक के रूप में काफ़ी सही है, अच्छा है, उसमें कोई दाग नहीं है, बट इन सम एरियाज़, लेकिन कुछ एरियाज़ में इनके क्रिटिसिज्म में ट्रेसेस ऑफ एग्जेजरेशन एंड लिमिटेशंस कैन बी फाउंड, यानी कि हम लोगों को कहीं कहीं पे दिख जाता है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। क्रिटिक का काम क्या होता है, क्रिटिसिज्म करना किसी भी लिटरेचर को। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिटिसिज्म होता क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे आप लोग देख लेना, तो उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वही एग्जेजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ा कर, एंड लिमिटेशंस कैन बी फाउंड, एंड कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हर इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है, तो उनके क्रिटिसिज्म में भी थोड़ी बहुत कमियाँ थी। फॉर इंस्टेंस इन हिज डिफेंस, यहाँ पे डिफेंस यानी कि डिफेंस ऑफ पोएसी, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एपोलॉजी ऑफ पोएट्री का ही दूसरा नाम, ओरिजिनल नाम था, ही क्लेम्स दैट पोएट्री इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उसमें ये बोलते हैं कि जो पोएट्री है
वही एक क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी विश्वसनीय सोर्स को ढूंढना हो कि सबसे विश्वास किस सोर्स पे किया जा सकता है नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का कौन सबसे बड़ा स्रोत है, तो इनके हिसाब से पोइट्री है, जो कि विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। जस्ट लाइक हिस्ट्री कैन कंटेन लाइज, जैसा कि हम लोग को पता है कि इतिहास में भी कभी कभी गलतियाँ होती है, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा ये तो गलत था, ये शायद गलती से छप गया होगा या फिर बस एक कहानी है। ऐसा इतिहास में भी कई बार होता है। वैसे ही जस्ट लाइक हिस्ट्री कैन कंटेन लाइज, जैसे कि इतिहास में भी कुछ कुछ गलतियाँ हो सकती है, सो डू पोइट्री। तो कविताएं में भी हो सकती है कि ऐसी कुछ गलतियाँ हो, जरूरी नहीं हो कि ये एकदम 100% अच्छा हो। तो वही इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिडनी के जो कंट्रीब्यूशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी बोला वो 100% ही सही था। कहीं ना कहीं हम लोग को दिख जाता है कि कुछ तो कमियाँ थी। नेक्स्ट, सिडनीज लिटरेरी एंडेवर्स एंड हिज अटर डिवोशन टू द नोबल काउज ऑफ लिटरेचर इन जनरल एंड पोइट्री। तो इनका जो भी प्रयास था लिटरेचर के प्रति या फिर पोइट्री के प्रति, पुट्स हिम इन टू द फ्रंटियर्स ऑफ द नोटेबल क्रिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इनका जो भी प्रयास था वो इन्हें सबसे आगे लाकर खड़ा कर देता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जितने भी महान लोग थे उनमें से लाइन में कहीं ना कहीं इन्हें आगे कर देता है ये जो इनका प्रयास था पोइट्री को और अच्छा करने का। तो ये सर फिलिप सिडनी के बारे में हो गया है, एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पे मैंने लिखा है, इसे आप लोग याद रख लेना और कहीं पे मेंशन कर देना। अब ये जो है ये काफ़ी शॉर्ट मैंने लिखा है, ताकि यहाँ से आप लोग बस सर फिलिप सिडनी के बारे में जान लो कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद आप लोगों को खुद से लिखना है। तो ये एक तरह से नोट हो गया, एंड यहाँ पे कुछ मैंने आंसर फॉर्मेट में भी लिख दिया यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर को फ्रेम करने में भी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो होगा हमारा एसटी कॉलरिज के ऊपर, तो इसमें मैंने कुछ और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए एफर्ट किया है कि मैंने पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि इतना शॉर्ट में कैसे कंप्लीट करना है, तो इसमें मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों को आंसर लिखना कैसा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।